नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है MG2 Reader Publication। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो भी साथी सब इंस्पेक्टर के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। दूसरा, अब से कुछ देर पहले कर्मचारी चयन आयोग ने ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो नया फॉर्मूला अपनाया जाएगा आपकी आगामी रिजल्ट्स में, उसका ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है। अब क्या फॉर्मूला अपनाया जाएगा, किस प्रकार से कट ऑफ बनेगी, इस वीडियो में डिटेल से आपको सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। आपको और कहीं सर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सिर्फ उन्हीं एग्जाम में लागू होगा जो एक से ज़्यादा शिफ्ट में होंगे। जैसे आपका कल सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, सिर्फ एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपके एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन की ये प्रक्रिया लागू नहीं होगी। जो एग्ज़ाम दो या दो से ज़्यादा शिफ्ट में होंगे, जैसे कांस्टेबल का एग्ज़ाम तीन शिफ्ट में होना है आपका, मेल कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, फीमेल कांस्टेबल का तीन शिफ्ट में, वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आपका ज़रूर लागू होगा। चाहे आप भविष्य में CET देंगे, चाहे आप ग्राम सीओ की परीक्षा देंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम देंगे, जो भी परीक्षा एक से ज़्यादा शिफ्ट में होगी उनमें प्रोसेस लागू होगा। तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको दिखा देता हूँ, उसके बारे में बारीकी से पढ़ेंगे। पब्लिक नोटिस अब से कुछ देर पहले ही वेबसाइट पर आया है। इसमें बताया गया कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, पर्पज ऑफ रिक्रूटमेंट टू सम ग्रुप बी पोस्ट एंड ऑल ग्रुप CND पोस्ट। कुछ बी पदों के लिए भी, बी जो ग्रुप की पोस्ट है उनके लिए भी कर्मचारी चयन आयोग वैकेंसी भर्ती करता है, सी और डी के लिए करता है। तो इसमें यही बताया गया कि भी जहां पर एक से ज़्यादा शिफ्ट होंगी वहां पर नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि आप सभी युवाओं के द्वारा मांग थी कि भाई एक से ज़्यादा शिफ्ट में जब एग्ज़ाम होता है तो कई बार एक शिफ्ट में AG आ जाता है और एक शिफ्ट में एग्ज़ाम जो टफ आ जाता है। यहाँ पर परसेंटाइल जो मेथड है वो अपनाया जाएगा, इसमें परसेंटेज रखी जाएगी 0 से लेकर 100 तक। ए गुड एंड स्टेटिस्टिकली रबस्ट फॉर्मूला प्रोसीजर इज टू नॉर्मलाइज द मार्क बेस्ड ऑन परसेंटाइल, द स्केल ऑफ मार्क्स फॉर ईच कैंडिडेट इन ईच शिफ्ट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन कॉमन यूनिफॉर्म स्केल फ्रॉम 0 to 100। तो इस प्रकार से इनके जो फॉर्मूले हैं, दो प्रकार से फॉर्मूले रहेंगे, फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2, दोनों के बारे में बात करते हैं। डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ईच शिफ्ट द परसेंटाइल कैन बी कैलकुलेटेड और राउंडेड ऑफ आइदर 5 or 6 डेसिमल प्लेसेस। सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि आपकी शिफ्ट में कितने कैंडिडेट प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए आपकी शिफ्ट में 20,000 जो कैंडिडेट हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जितनों ने परीक्षा दी है सिर्फ वही काउंट होंगे। जैसे 20,000 हैं तो 2 × 10^5 यहाँ पर इंक्लूड होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हुए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटाइल, पार्ट 1 में क्या करेगा, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल स्कोर, दिस स्टेप इज़ टू बी कम्प्लीटली सेपरेटली फॉर ईच शिफ्ट। सबसे पहले रिकॉर्ड द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैव एक्चुअली प्रिपेयर्ड इन शिफ्ट, डिनोट दिस बाय N। जितने युवाओं ने परीक्षा दी है वो कैलकुलेट करने के बाद उसको N से डिनोट किया जाएगा। सॉर्ट ऑल द कैंडिडेट इन 1 शिफ्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मार्क्स, फिर कैंडिडेट के जो मार्क्स हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाएगा ऊपर से लेकर नीचे तक। फिर जो आपके नोट द रॉ मार्क्स ऑफ द ईच कैंडिडेट, जो रॉ मार्क्स हैं उनको देखा जाएगा भी कितने मार्क्स हैं, जो रॉ हैं मैक्सिमम कैंडिडेट के कितने मार्क्स बन रहे हैं। सपोज कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा, उसको निकाला जाएगा कि 58 आपके रॉ मार्क्स, उसको T से डिनोट किया जाएगा। फिर काउंट द नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ईच दैट शिफ्ट, वही मैंने बताया कि भी कितने कैंडिडेट शिफ्ट में आपके परीक्षा दे रहे हैं, कितनों के रॉ मार्क्स से कम मार्क्स हैं और कितनों के उनके बराबर, उनको T से डिनोट कर लेंगे। उसके बाद ये फॉर्मूला P = 100 × M/N, पार्ट 1 में ये फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ से आपकी जो परसेंटाइल की वैल्यू आएगी उसकी कैलकुलेशन जो है पार्ट 2 से कर दी जाएगी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पार्ट 1 अबो सेपरेटली फॉर एवरी शिफ्ट कंबाइन ऑल द फाइल इनटू 1 सिंगल फाइल, सॉर्ट द रिकॉर्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटाइल स्कोर P, असाइन रैंक 1 टू द फर्स्ट कैंडिडेट इन द शॉर्ट लिस्ट, रैंक 2 टू द सेकंड कैंडिडेट इन द शॉर्ट लिस्ट एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से आपका अगर टाई होता है तो उन कैंडिडेट को भी जो है इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। इस प्रकार से पूरा आपका ये जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस पहली बार HSSC में अडॉप्ट किया जा रहा है। क्या इसके परिणाम देखने को मिलते हैं, बहुत जल्द विद इन 1 वीक फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।